हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हेड एंड नेक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने होने वाला है लैरिंग्स के ऊपर। और मैं इस टॉपिक से लिटरली परेशान हो चुका हूं क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कमेंट में बहुत ज्यादा परेशान करा है, सर लैरिंग्स डाल दो, सर लैरिंग्स डाल दो, सर हमें लैरिंग्स चाहिए। अब देखो क्या होता है ना, लैरिंग्स की एनाटॉमी अपन को थर्ड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब अपन ईएनटी पढ़ते हैं। अब देखो लैरिंग्स की दूसरी खास बात क्या है, आप यूट्यूब में 10 वीडियो देख लेना, सबकी वीडियो कोई एक घंटे की है, दो घंटे की, बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, लैरिंग्स आसानी से समझ में नहीं आता क्योंकि ये पूरा 3D वाली चीज है, इसलिए मैं 3D मॉडल्स आपको पढ़ा दूंगा। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, क्या क्या कार्टिलेज है, क्या क्या इसमें मसल आती है, क्या ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है। वीडियो भले ही छोटी है बट सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर पढ़ा दूंगा। और ये सारी जितनी भी मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे नोट्स के जरिए, जो मेरे एनाटॉमी नेक्स्ट एडिशन के जो नोट्स हैं, मैं उससे आपको पूरी मैंने हेड एंड नेक की एनाटॉमी पढ़ाई है। और ये नोट्स बहुत ज्यादा बढ़िया नोट्स हैं यार, क्योंकि एक पेज में मैंने ना सारी चीजों की थ्योरी लिखी है। आप वही थ्योरी बीडीसी में देखो 3-4 हजार पेज में लिखी है, बट मेरे नोट्स में एक पेज में सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, हैंड रिटन डायग्राम्स है। तो तुम यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम चेक कर सकते हो, स्टाफ का नंबर भी दे रहा हूं, तुम कॉल लगा के पूछ सकते हो कि नोट्स में क्या क्या चीजें हैं, डिलीवरी कब तक होगी वगैरह वगैरह। चलिए अपन अब काम की बात पे आते हैं कि लैरिंग्स की एनाटॉमी, कि भैया लैरिंग्स की एनाटॉमी होती कैसे है। अगर अपन देखें ना, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, सांस लेने वाला, उसका जो अपर पार्ट होता है उसमें अपना प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स एक तरीके से देखा जाए उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, उसके जरिए अपन बात कर पाते हैं, तो एक तरीके से साउंड बॉक्स की तरह भी वो काम करता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स के कारण ही बोल रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है। नीचे की तरफ ये अपना ट्रैकिया है जो मेरा रेस्पिरेशन मदद करता है। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर ये जो हाइलाइटेड पार्ट है ना, इससे अपन बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। ये अपना ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसे अपन लैरिंग्स बोलते हैं। और पीछे की तरफ अपना होता है इसोफेगस, ठीक है। लैरिंग्स में एक चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिक फोल्ड, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये अपना पूरा लैरिंग्स है। लैरिंग्स को भी देखो ना, अपन ने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड, लैरिंग्स को मैंने क्रॉस सेक्शन से बड़ा करा है। तो लैरिंग्स के भी टोटल ना 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक लैरिंग्स का बीच वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं ग्लॉटिस वाला पार्ट। और इसी ग्लॉटिस में ना अपने इस तरीके से ना वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे आप बात कर पाते हो। एक इस ग्लॉटिस के ऊपर वाला पार्ट, ये जो कि ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए इसको अपन बोलते हैं सुप्रा ग्लॉटिस। और एक ग्लॉटिस के नीचे वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं सब ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के नीचे है। तो अपने लैरिंग्स के टोटल होते हैं 3 पार्ट्स, एक बीचों बीच वाला पार्ट इसमें वोकल कॉर्ड है, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर सुप्रा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के नीचे सब ग्लॉटिस। और मैं आपको बताऊं, लैरिंग्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में तो आते ही आता है। उसके अलावा ना अभी थर्ड ईयर के एग्जाम में मैंने ना इसके ऊपर पूरा लिख के आया हूं। मैं ईएनटी के अंदर मुझे क्वेश्चन आया था लॉन्ग के अंदर लैरिंजियल कार्सिनोमा, तो उस कार्सिनोमा में ना पहले एनाटॉमी पूछी थी, तो मैं पूरी लैरिंग्स की यही एनाटॉमी लिख के गया था, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, सुप्रा ग्लॉटिस। फिर कैंसर जो होता है ना, सुप्रा ग्लॉटिस में भी हो सकता है, ग्लॉटिस में भी हो सकता है ना, सब ग्लॉटिस में भी हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग कैंसर होते हैं। तो आप ना ये मत समझो कि एनाटॉमी से फर्स्ट ईयर में, भैया सेकेंड ईयर में इतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देगा, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में क्लिनिकल ब्रांचेस में एनाटॉमी का बहुत महत्व है। तो अपने लैरिंग्स के 3 पार्ट हो गए, सुप्रा ग्लॉटिक, ग्लॉटिक, सब ग्लॉटिक। चलो अपन यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो लैरिंग सबसे पहले क्या है, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है कहां, लैरिंग कहां तक होता है, अपर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंग। लैरिंग क्या करता है, लैरिंग के अंदर सबसे पहले क्या है, अपना वोकल कॉर्ड है, इसलिए अपन वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग कहां पे सिचुएटेड होता है, तो ये क्या है, ये गर्दन है, नेक, नेक के आगे, ये क्या है, याद देखो ना, वॉइस के अंदर ये एक एलिवेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तुम मेरा देख पा रहे हो, ये घंटी दिख रही है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। किससे बनती है, एक कार्टिलेज होती है थायराइड कार्टिलेज, उसी के एक्सटेंशन कारण बनता है एडम्स एप्पल। तो यहीं पे ये गर्दन के इंटीरियर में अपना प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। तो गर्दन के इंटीरियर मिड लाइन में अपना लैरिंग्स प्रेजेंट है। अगर अपन एक्सटेंड देखें तो भाई नाक, जीभ ना जीभ, उसके रूट में, यहां पे उसके रूट से लेकर ट्रैकिया तक अपना ये एक्सटेंड होता है। फिर मेल में
C3 से लेकर C6 वर्टिब्रा तक मेल में होता है, फीमेल में C1 से लेकर C4 तक होता है। तो आप एक देखो, मेल में थोड़ा बड़ा है लैरिंग्स, तभी वो चिल्ला चुट ज्यादा करती है। ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेल में C3 से C6 होता है, फीमेल में C1 से C4 तक होता है। ठीक है, फिर जो साइज और लेंथ जो रहता है ना, वो सबके लिए डिफर करता है। मेल में अगर देखो 44 mm का होता है, फीमेल के अंदर 36 mm का होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया लैरिंज का डेफिनेशन वाला पार्ट, डेफिनेशन कहाँ है और कहाँ सिचुएटेड है। चलो अपन अब आते हैं लैरिंज के अंदर कितनी कार्टिलेज होती है। तो यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे लिखना, मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी में लैरिंज कैसे लिखूंगे। पहले डेफिनेशन लिखना, सिचुएशन लिखना, देन कार्टिलेज सिर्फ नाम नाम लिख देना, देन मसल के नाम नाम लिख देना, लैरिंज के सारे मसल के नाम नाम, फिर एंड में ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई लिख देना लैरिंज का। अगर लैरिंज में देखो शॉर्ट नोट ही आता है और ऐसे लिखना पड़ेगा, और लैरिंग्स अभी पढ़ लिया तो थर्ड ईयर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो, लैरिंग्स के अंदर दो तरह की कार्टिलेज होंगी। एक वो कार्टिलेज जो कि एक ही प्रेजेंट होंगी, सबसे पहली थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड और एपिग्लोटिक, ये तीन कार्टिलेज अनपेयर होती हैं, एक प्रेजेंट है। फिर कुछ कार्टिलेज जो होती है ना बॉडी में दो दो प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पेयर कार्टिलेज, जैसे कि अपनी आर्डिनोइड है ना, कॉर्निकुलेट और एक अपनी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये तीन अपनी पेयर्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये लैरिंग्स है ना, इसको अपन इंटीरियर में देख रहे हैं आगे से, और ये लैरिंग्स को अपन पीछे देखेंगे पोस्टीरियर में। तो ये जो लाल से सबसे बड़ी कार्टिलेज जो है ना, ये इंटीरियर पीछे दोनों तरफ आ रही है, ये है अपनी थायराइड कार्टिलेज। अभी आप 2D में देख लो, 3D में भी दिखा दूंगा। ये सबसे पहली कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। फिर अपने पीछे की तरफ एक ग्रीन से कार्टिलेज होती है, जो कि अपनी होती है एपिग्लोटिस। फिर ये नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ये येलो से दो कार्टिलेज है, ये अपनी है आर्डिनोइड कार्टिलेज। फिर एक और ये थायराइड के जस्ट नीचे येलो से कार्टिलेज है, जो कि पीछे की तरफ भी आ रही है, ये अपनी है क्रिकॉइड कार्टिलेज। और एक दो छोटी छोटी सी कार्टिलेज है जो कि थैनोस वाले पर्पल कलर की है, जो कि अपनी होती है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। तो ये सारी कार्टिलेज मैंने आपको मेन मेन कार्टिलेज दिखा दी है लैरिंग्स की। मैं आपको क्या करता हूँ 3D में और दिखा देता हूँ। तो ये पूरा ट्रैकिया है, ये अपना ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर अपना पूरा प्रेजेंट है लैरिंग्स। सो दिस इज लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के सबसे आगे ये जो कार्टिलेज है, इसको अपन बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, ये लैरिंग्स की थायराइड कार्टिलेज है। फिर अगर अपन पीछे की तरफ देखें तो आप ये देखो, ये लैरिंग्स में ये जो एक कार्टिलेज है ना, जो मैंने हाईलाइट करी, ये एपिग्लॉटिस है। मैं क्या करता हूँ, फिल्टर से मसल नहीं हटा पाऊंगा यार, मैं ये आएगा ही आएगा आज। ठीक है, तो एक सबसे पहले कार्टिलेज है, सिंगल कार्टिलेज है, अनपेयर। व्हाट इज दिस, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड के नीचे एक कार्टिलेज है, ये एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि पीछे भी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ऊपर की तरफ ये अपनी एपिग्लॉटिस। ये सारी मैंने आपको कैसे बता दी, अनपेयर कार्टिलेज। पेयर अगर अपन देखें तो मैं क्या करता हूँ, मसल पहले हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मसल के होते हुए अपन ये सब पढ़ नहीं पाएंगे। ये आप देखो, एक ये देखो, ये अपनी है आर्टिनोइड कार्टिलेज, दिख रही है, ये दो है राइट और लेफ्ट दोनों तरफ है, ये आर्टिनोइड कार्टिलेजेस है। ये अनपेयर है, मतलब सॉरी पेयर है, दो दो है, ये आर्टिनोइड है। आर्टिनोइड के ऊपर ये अपनी है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी देखो दो है बॉडी के अंदर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और ये अपनी आर्टिनोइड कार्टिलेज। अगर थोड़ा टेढ़ा करूं तो ये आपको एक और चीज दिखेगी, ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। देखो ये क्यूनिफॉर्म, एक और दो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, याद हो गया कितनी अनपेयर थी, तीन थी ना। फिर से ये आर्डिनोइड दोनों तरफ, उसके ऊपर उसके ऊपर कॉर्निक्यूलेट, फिर अपनी है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, दिस इज अनपेयर कार्टिलेज। मैंने सारी बता दी, तो ये सारा मैंने आपको ना कार्टिलेज वाला हिस्सा निपटा दिया। और इसी तरीके से मैंने ना मेरे क्रश कोर्स के अंदर पढ़ा है, सुना मेरा एक्चुअली में ऐप आ चुका है जौहरी MBBS, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुम डाउनलोड कर लो। उसमें ना एक फर्स्ट ईयर का मैंने कोर्स बनाया है, क्रश कोर्स, मात्र 25 वीडियो मैंने पूरे नाट में खत्म कर दी मैंने उसके अंदर। तो मैं चाहूंगा तुम जाके देखो, सैंपल वीडियो सबके लिए फ्री है, सैंपल वीडियो देख ही सकते हो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। मात्र 25 वीडियो है, एक वीडियो 20 मिनट की है, और ये वीडियो भी ना एक्चुअली में उसी का ही एक सेगमेंट है, तुम जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टाफ का नंबर भी आराम से कॉल कर लो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, डिस्काउंट भी तुम्हें मिल जाएगा। सो मात्र 25 वीडियो, आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्री मेजर के पेपर मिल रहे हैं, बुक्स की PDF मिल रही है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा कम प्राइस में। अगर तुम यूट्यूब में सब चीज फ्री तो अवेलेबल ही है, बट तुम अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्टिव चीज चाहिए तो तुम मेरे ऐप पे जा सकते हो। फिर अपन आते हैं इसके मसल वाले हिस्से पे। तो यार इसके मसल ना तुम ऐसे देख लो,
तो पहले देख लो तो समझ में आ जाएगी। तो ये ट्रैकिया का पीछे वाला हिस्सा है, तो ट्रैकिया के पीछे ना ऐसी एक मसल होती है जो कि ट्रांसवर्स में प्रेजेंट है यूं। इस मसल को अपन क्या बोलते हैं, जो पूरी यूं ऐसी है, ऐसे टेढ़े में एक तरीके से एक्स बना रही है ये मसल, इनको अपन बोलते हैं ओब्लिक आर्टिनॉइड मसल्स। तो हमने जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे अपनी सबसे पहली मसल जो ऐसा क्रॉस बना रही है उसको अपन बोलते हैं ओब्लिक आर्टिनॉइड मसल, ठीक है। उसी के जस्ट अंदर एक मसल ट्रांसवर्स में, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स आर्टिनॉइड मसल, ये देखो आप। फिर एक मसल पीछे की तरफ है हरी हरी सी, दिख रही है हरी हरी सी, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनॉइड मसल। अब देखो क्या है ना, लैरिंग्स के अंदर मुझे पता है नाम बहुत है, एक तो क्या है कार्टिलेज बहुत है, तीन अनपेयर, फिर तीन पेयर, टोटल नौ कार्टिलेज हो गई, तो लैरिंग्स के अंदर नौ कार्टिलेज है। फिर मसल भी इसमें बहुत है, बट यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए ना तुम नाम नाम लिख दो तो काफी है, और आपको नॉलेज में भी इतना याद होना चाहिए, ज्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो ये मैंने आपको बता दी पीछे की तरफ तीन कार्टिलेज होती हैं, तीन मसल होती हैं। अब क्या हो गया, अब मैं तुम्हारे लिए मेरे उसका बलिदान दूं लैरिंग्स का, अगर मैं लैरिंग्स को ऐसे काटूं बीच में से, तो आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं, अपन ने इसको ऐसा काटा फिर अपन इसको ऊपर से सुपीरियर से देख रहे हैं, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो आप यहां पर देखो, तो कुछ मसल ना इसके अंदर होती है। सबसे पहले एक मसल ऐसे इनने ब्लू से हाईलाइट करी है जो कि लेटरल में भी, ऐसे वो बोलेंगे लेटरल क्रीको आर्टिनॉइड मसल, ठीक है। ये साइड भी है, राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ है। और एक मसल ना इसी लाल से आगे की तरफ, इसको अपन बोलते हैं थायरो आर्टिनॉइड मसल। अब देखो जैसा नाम वैसा काम, ये थायरो का मतलब क्या है, आगे की तरफ थायरॉइड कार्टिलेज है और पीछे की तरफ आर्टिनॉइड कार्टिलेज है, इन दोनों के बीच में, तो इसलिए इसका नाम है थायरो कार्टिलेज मसल। तो ना रटो मत, समझ भी लो। और क्रीको आर्टिनॉइड का मतलब यही है, जो क्रीकॉइड और अपने आर्टिनॉइड जो कार्टिलेज होती है उन दोनों के बीच में है ये मसल, तो उसका नाम है क्रीको आर्टिनॉइड मसल। फिर एक मसल ऐसे ट्रांसवर्स में, मैंने आपको दिखाई भी थी, ये अपनी ट्रांसवर्स आर्टिनॉइड मसल थी, देखो ये आर्टिलेज, ये आर्टिनॉइड कार्टिलेज है उन दोनों के बीच में, जिसका नाम है ट्रांसवर्स आर्टिनॉइड मसल। और सबसे पीछे की तरफ जो मसल थी हरे हरे से, वो थी अपनी पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनॉइड मसल्स। मैं इन मसल को ना 3D में दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन इमेजिन मोर एंड लर्न मोर। जितना देखो, जितना देखेगा भारत उतना ही तो बढ़ेगा भारत। ये देखो, ये लैरिंग्स में सबसे पीछे, ये पीछे जो मसल है ये कौन सी है, ये अपनी है पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनॉइड मसल्स। ये राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ पोस्टीरियर क्रीको आर्टिनॉइड मसल है, ठीक है। ये कौन सी, ये क्या है, ये कौन सी कार्टिलेज है, क्रीकॉइड कार्टिलेज और ये आर्टिनॉइड कार्टिलेज। मैं क्या करता हूँ, एक एक करके हाईलाइट करता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। पोस्टीरियर वाली मैंने हाईलाइट कर दी, फिर एक लेटरल में प्रेजेंट है ये लेटरल वाली, फिर लेटरल क्रीको आर्टिनॉइड भी मैंने हाईलाइट कर दी, ठीक है। फिर आप देखो कुछ मसल ऐसा एक्स बना रही है पीछे यूं, ये अपनी ओब्लिक आर्टिनॉइड मसल, ये पूरी अपनी आर्टिनॉइड कार्टिलेज में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओब्लिक आर्टिनॉइड मसल, मैंने ये हाइड कर दी। फिर एक ट्रांसवर्स में मसल है, ये कौन सी कार्टिलेज, आर्टिनॉइड कार्टिलेज है, इन दोनों आर्टिनॉइड कार्टिलेज के ट्रांसवर्स में, इसलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स आर्टिनॉइड मसल, ये भी मैंने हाइड कर दी। तो सारी मैंने हाइड कर दी। अब मुझे बाकी के मसल दिखाने के लिए ना ऐसे ऊपर से दिखाना पड़ेगा यूं। तो ये एपिग्लॉटिस है ना, पहले मैं इसे हाइड करता हूँ, देन फिर कुछ कार्टिलेज होती है, मेम्ब्रेन है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, इसे हटाता हूँ। तो देखो अब तुम्हें ना आगे की मसल दिखेंगी। एक मसल आप देखो, ये कौन सी मसल है, ये वाली, ये आगे की तरफ कौन सी कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है ना, तो ये थायराइड कार्टिलेज पर अटैच है और पीछे की तरफ किससे अटैच है, ये अपनी अटैच है आर्टिनॉइड कार्टिलेज में, इन दोनों के बीच में ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं थायरो आर्टिनॉइड मसल, समझ गए। ये थायरो आर्टिनॉइड मसल है, ये भी मैंने हाइड कर दी। चलो फिर एक और मसल है, ये अपनी वोकल मसल है, वोकल कॉर्ड्स वाली, ठीक है। फिर ये देखो, ये अपनी क्रीकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में एक मसल अटैच है, उसको अपन बोलते हैं क्रीको थायराइड मसल, तो ये क्रीको थायराइड मसल हो गई, ये भी मैं हाइड कर देता हूं। फिर आप देखो आगे की तरफ इंटीरियर में, इंटीरियर में भी एक मसल अटैच है,
ये वाली, इसका नाम है क्रीको थायराइड मसल, इंटीरियर में ना इसलिए इसका लेफ्ट वाला पार्ट। तो ये सारी मैंने आपको मसल बता, लैरिंग्स की, और मैंने आपको बताया था लैरिंग्स के अंदर ना बहुत सारी मसल होती हैं। तुम दो तरीके, या तो डायरेक्ट रट लो, लेकिन मैं बोलूंगा रटो मत, तुम ना पहले कार्टिलेज के 9 नाम तो याद कर लो, फिर वो कार्टिलेज के बीच में कुछ मसल होती है तो तुम वैसे याद कर सकते हो यार, बड़ा आसान है रटने से, तो अच्छा यही है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, देखो मसल कैसे, तुम तो ऐसे नाम नाम लिख देना। सबसे पहले कितनी मसल है, एक क्रिकोथायरॉइड, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर क्रिको आर्डिनोइड, फिर लेटरल में लेटरल क्रिको आर्डिनोइड, एक ट्रांसवर्स आर्डिनोइड, एक ओब्लिक आर्डिनोइड, एक एपिग्लॉटिक के लिए, फिर थायरो आर्डिनोइड, फिर थायरो एपिग्लॉटिक, और एक वोकालिज। वोकालिज वो मसल है जो कि वोकल कॉर्ड के अंदर है, और एक वोकालिज मसल। तो सारी मसल्स हैं किसकी, लैरिंग्स की, मैंने आपको दिखा दिया। इसलिए मैं पता है लैरिंग्स पढ़ाना बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मतलब डाटा, फैक्चुअल डाटा बहुत याद करने का। तो ये मैं आपके लिए ना लैरिंग्स बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड है, नीले नीले बस। तो लैरिंग्स है, लैरिंग्स का वोकल कॉर्ड, ये ग्लॉटिस वाला पार्ट, ये सुप्रा ग्लॉटिस वाला पार्ट, और ये इंफ्रा ग्लॉटिस वाला पार्ट, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसका आर्टरी सप्लाई। देखो याद रखना, आर्टरी सप्लाई, वेन सप्लाई, नर्व सप्लाई, कोई भी सप्लाई हो, आपको ऐसे ही याद करना है कि अप टू वोकल फोल्ड्स, जो वोकल फोल्ड्स होते हैं ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक, एक आर्टरी होती है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई देगी। तो दो आर्टरी लैरिंज को ब्लड सप्लाई देती है, अप टू वोकल कॉर्ड्स तक सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और नीचे से अगर अपन देखें वोकल कॉर्ड के बिलो, वोकल कॉर्ड के नीचे जो इंफीरियर आर्टरनल आर्टरीज होती है वो इसको ब्लड सप्लाई देती है। वेन में भी सेम यही होता है, अप टू वोकल कॉर्ड तक सुपीरियर लैरिंजियल वेन, और वोकल कॉर्ड के नीचे इंफीरियर लैरिंजियल वेन। चलो ठीक है, अपन अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। और ये जो नर्व सप्लाई है ना, इसका डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अपनी सारी की सारी वोकल कॉर्ड की मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। मोटर मतलब मसल को सप्लाई करने के लिए, सेंसरी मतलब सेंस वाली। सो मोटर के लिए क्या है, सारी की सारी जितनी भी अपनी लैरिंग्स के अंदर मसल है, इंट्रिंसिक मसल, उनको सप्लाई करेगा अपना रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सिर्फ एक मसल को छोड़ के क्रिकोथायरॉइड। अब क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में ऐसा एमसीक्यू आता है कि क्रिकोथायरॉइड मसल इज सप्लाई बाय विच नर्व, और ऑप्शन में ये भी नाम होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि बच्चे ये रट के बैठ जाते हैं कि लैरिंग की सारी मसल को सप्लाई करेगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो वो इस पर टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है। रियलिटी में ये होता है कि जितनी भी मसल होती है ना इंट्रिंसिक लैरिंग्स की, वो सप्लाई होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से, एक्सेप्ट क्रिको थायरॉइड मसल। ये क्रिको थायरॉइड मसल अपना सप्लाई होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एम्स के अंदर पूछा गया था एमसीक्यू। ये एम्स का एमसीक्यू ऐसे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, एक्सेप्शन में पूछते हैं। तो ये इसका मोटर नर्व सप्लाई था। फिर सेंसरी की अगर हम बात करें, अप टू वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड तक इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, वोकल कॉर्ड के बिलो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, इसका सेंसरी नर्व इनर्वेशन देती है। दिस इज ऑल अबाउट लैरिंग।